हेलो एवरीवन, सो मैं आपका राज सर और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक अच्छे ट्रिक के बारे में कि कैसे मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को एक दूसरे के साथ, जहां पर कि वंस प्लेस में 5 हो और टेंस प्लेस के नंबर्स सेम हो। इसे हम बोल सकते हैं 25 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बोले 35 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक में जाने से पहले मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हम जो ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं आज तक, उसमें हम कैसे करते हैं और हमें कितना टाइम लगता है उसमें। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग नॉर्मली कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 5 के साथ, कितना आ गया 25 आ गया, फिर 2 को हम लोग ले लिए कैरी ओवर, ठीक है कि ना। फिर मल्टीप्लाई किए 5 को 2 के साथ, कितना आएगा 10, 10 में ऐड करेंगे 2 को, हमें मिल गया 125 यहां पर। फिर अगर टेंस प्लेस को 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, आ गया 10, यहां लिख लेंगे 0, कैरी ओवर चला गया 1। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 4 प्लस 1 5। सो अगर हम इसे फिर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाता है 625। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। उसी तरह से अगर हम 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, 5 को 5 के साथ, आ गया आपका 25, रह गया 2। फिर आया 5 × 3 15 प्लस 2, कितना आएगा आपका 17। फिर आ जाइए टेंस प्लस को, 3 × 5 15, कैरी ओवर आ गया 1, 3 × 3 9 प्लस 1 10। सो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, फिर 5 2, दिस वन विल बी 2, दिस वन विल बी 1। सो देखिए आंसर्स तो आ रहे हैं, दिक्कत है कि टाइम ज्यादा लग रहा है हम लोगों को। सो जब हम लोग जल्दी जल्दी से बहुत सारे मेथड्स करने वाले होते हैं ना, तो हमको टाइम हमेशा देखना पड़ता है। अब मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं दोनों को अगर हम वैदिक मैथ के थ्रू करें तो देखिए कितना जल्दी हो रहा है। फिर से आ जाइए, लिख लेते हैं 25 × 25। ठीक से देखिए यहां पर क्या करना है, जो वंस प्लेस के 5 है पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको हमेशा मिल जाएगा कितना 25। फिर जो पहला नंबर है उसके वंस प्लेस में ऐड कर दीजिए 1 तो आपको कितना मिलेगा वहां पर 3, ठीक है कि ना। इस 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ तो क्या हो गया 6। देखिए कितना इजीली हो गया, कितना टाइम लग रहा था और कितना इजीली हो रहा है। अगर हम 35 को फिर से लेंगे, 35 × 35 सेम प्रोसेस अगेन, दोनों 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, हमें मिल गया 25। इसमें क्या ऐड करना है 1, क्या मिलेगा 4, 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ 12। देखिए कितने इजीली हम लोग आंसर निकाल पा रहे हैं, ये करने में हमें जितना टाइम लगता है, मुझे लगता है कि ये 1 को करने जितना टाइम लगता है उतने में, उससे कम टाइम में हमने दोनों का आंसर निकाल दिया। सो ये होता है शॉर्टकट मेथड वैदिक मैथ में। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क्स दे रहा हूं, आंसर्स कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताइए। जैसे कि 45 × 45, फिर आ जाएगा 55 × 55, फिर आ जाएगा 65 × 65। इन तीनों का आंसर निकालिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे और एक ट्रिक के बारे में। थैंक यू।